राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में पिछले 3 दिनों से छक्कों की बरसात नजर आई। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक इसका लुत्फ उठाने स्टेडियम में पहुंचे। जी हां, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खिलाड़ी वो हैं जो देख नहीं सकते। मौका था राज्य स्तरीय दृष्टि बंधित क्रिकेट प्रतियोगिता का। राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम की एकेडमी पर प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया, तो वहीं जिसमें अजमेर की टीम ने जयपुर की टीम को 110 रनों से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। है कि मैं उनकी भावनाओं को तो अभिव्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्रिकेट इनकी देखकर बहुत अपने आप को रोमांचकारी महसूस कर रहा हूँ कि किस तरह से अभी दिनेश जी ने बताया कि दृष्टि भी इन लोगों के लिए क्रिकेट इवोल्व हुई और आज दिनेश जी भी मौजूद है और अच्छी दृष्टि इन लोगों के लिए जो क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित हुई उसको देखकर मुझे खुद को बहुत रोमांच है। क्या परिणाम रहा? ये 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई है जिसमें 6 टीमों ने भाग लिया। आज फाइनल मैच हुआ है जिसमें अजमेर विजयी रही है। कितने समय बाद ये हुई, क्या कुछ? ये पहली बार, पहला आयोजन है राजस्थान में, पहला आयोजन है जब ये राज्य स्तरीय क्रिकेट ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हुई है। जीत दिया है, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है फाइनल जीत कर, और हम जब अजमेर से आए थे तभी हम इस उम्मीद से आए थे कि हमारी टीम अच्छी है और हम फाइनल जीतेंगे। किस तरह की प्रतियोगिता रही, कैसा लगा? प्रतियोगिता सर, प्रतियोगिता ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन और लिब्रेल और ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के संयुक्त तत्वाधान में जो आयोजित हुई ये बहुत अच्छी रही, और सबसे अच्छा हमें लगा कि आज जो ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय